सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिल्म रॉकेट के एक और न्यू वीडियो में। बताऊंगा टॉप 8 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में जो लास्ट तक देखने के लिए मजबूर कर देने वाली है। और इन फिल्मों को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर सस्पेंस थ्रिल और क्राइम से भरी मूवीज देखने के शौकीन है। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 पर हमने फिल्म रखी है राज थीतीराम। 2015 की तमिल लैंग्वेज की डेकेड थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी अर्जुन देवा और ऑस्टिन डी कोस्टा के बारे में है, जो दोस्त है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम जोखिम वाली डकैतियां करते हैं और एक आभूषण की दुकान भरी डकैती का काम के लिए टीम बनाते हैं। यह जानते हुए कि यदि वे चूक गए तो उन्हें अपना जीवन सलाखों के पीछे बिताना पड़ सकता है। फिल्म को IMDb रेटिंग मिली थी 7.6 की। नंबर 7 धोनी मुथालुम द्रक्षासुम। 2017 में रिलीज हुई धोनी मुथालुम द्रक्षासुम की कहानी एक नवविवाहित जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका बस यात्रा के दौरान एक चोर से सामना होता है। श्रीजा की सोने की चेन एक चोर चुरा लेता है, लेकिन इससे पहले कि श्रीजा की नज़र उस चोर पर पड़े और चोर यात्रियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, उस चोर को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। बाकी कहानी आपको फिल्म में देखने के बाद ही पता चल पाएगी। नंबर 6 लीली। 2018 की मलयालम लैंग्वेज की एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में लीली नाम की गर्भवती महिला है और 2 सप्ताह में उसकी डिलीवरी होने वाली है। एक रात अपने पति की दुर्घटना के बारे में फोन आता है, पर टूटी बातचीत के बाद वो अपने घर से निकलती है, लेकिन 3 लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। लीली फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है जो आपको अंत तक स्क्रीन से बांधे रखने का काम करेगी। इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिली थी 5.7/10 की। नंबर 5 थिमारुसु। 2021 की अपराध थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत एक कैब ड्राइवर से होती है जो एक पुलिस ऑफिसर भी है। फिल्म की स्टोरी भयानक हत्या से होती है, जब एक निर्दोष नौजवान को पुलिस द्वारा केवल हत्या के आरोप में फंसाया जाता है। यहाँ एक तेज दरार वकील आता है जो न केवल मामले को लेने में रुचि दिखाता है, बल्कि यह भी मानता है कि युवा निर्दोष है। फिल्म अंत तक थ्रिलर और सस्पेंस से भरी है। नंबर 4 बकासुरन। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी एक वकील के इर्द गिर्द घूमती है, जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी इसी आदत की वजह से कहानी कई दिलचस्प मोड़ ले लेती है और अंत तक यह आपको बांधे रखने का काम करती है। नंबर 3 जोशी। 2018 में रिलीज हुई इसकी कहानी जबरदस्त है। फिल्म की कहानी में जोसेफ नाम का एक शख्स है, जो जोसेफ सेवानिवृत्ति पुलिस अधिकारी है, जिसके पास शोध कौशल है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गलती से जोसेफ अपराध के मामले में फंस जाता है। जोसेफ एक तेज व्यक्ति है जिनकी आंखें कान हमेशा खुली रहते हैं और अनुशासन जीवन जीता है, लेकिन कठिन से कठिन अपराध को भी कुछ ही घंटों में सुलझा लेता है। ये फिल्म एक मास्टरमाइंड मूवी है जो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नंबर 2 धूमम। कहानी अविनाश नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। तंबाकू कंपनी में मार्केटिंग विभाग में काम करता है। एक दिन जब अविनाश अपनी पत्नी दिया के साथ घर लौट रहा होता है, तभी एक अनजान आदमी इन पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं और सुबह दोनों की नींद एक सुनसान जगह पर खुलती है। होश में आते ही अविनाश के पास पैसे मांगने वाले उस अनजान आदमी का फोन आता है। अब वह अनजान आदमी कौन है और पैसे क्यों मांग रहा है और इसकी मजबूरी क्या है, जिसकी वजह से अविनाश इस आदमी की बात जाता है। इस सब सवाल के जवाब आपको फिल्म में ढूंढने होंगे। फिल्म को रेटिंग मिली थी 5.5 की। और 1 लियो। फिल्म की स्टार कास्ट में विजय संजय दत्त, गौतम वासुदेव, अर्जुन सरजा और इनके साथ और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी पार्थिवन नाम के एक व्यक्ति यानी विजय कैफे चलाता है और विजय अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा होता है, लेकिन विजय के शॉप पर कुछ गुंडे आते हैं और शॉप लूटने की कोशिश करते हैं। तभी विजय के परिवार को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय गुंडों को ख़त्म कर देता है। और यहाँ से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। दोस्तों, आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये टॉप 8 साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ की लिस्ट कैसी लगी? आपने इस फिल्म में से
कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता रहे, साथ में हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।